हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो जूनियर इंजीनियर सिविल का एग्जाम कराया था डिप्लोमा इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, उसके क्वेश्चन पेपर को हम लोग यहाँ ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि मैं इसकी आंसर कीज भी ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दूँ आपको। इस वीडियो में हम लोग टीपीएससी जूनियर इंजीनियर सिविल डिप्लोमा लेवल के पेपर को डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। इसमें पार्ट बी में जो है ये हमारे 80 क्वेश्चंस हैं जो सिविल इंजीनियरिंग के पूछे गए थे इसमें। लेट्स स्टार्ट। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इन सीमेंट कंक्रीट पेमेंट्स टेंसाइल स्ट्रेसेस हमारी कौन कौन से रीजंस की वजह से होती हैं। तो बेसिकली अगर कोई भी हमारा पेमेंट है सीमेंट कंक्रीट, तो जो व्हील लोड आ रहा है उसकी वजह से, जो हमारी बेंडिंग हो रही है उसकी वजह से भी हमारी टेंसाइल स्ट्रेसेस आएंगी, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस भी आएंगी। टेम्परेचर ग्रेडियंट जो होगा टॉप और बॉटम के बीच में, उसकी वजह से जो हमारी वार्पिंग होती है उसकी वजह से भी टेंसाइल स्ट्रेसेस आती हैं। और जब स्लैब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसके रिस्ट्रेन करने में जो टेंसाइल स्ट्रेसेस आती हैं उसमें भी आती हैं। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाएंगे। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो खोसलास थ्योरी थी प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन वियर फ्लोर्स के नीचे असेस करने के लिए, जो कंसेप्ट यूज किया उन्होंने कि जो परमिएबल लेयर्स हैं बिनीथ द फ्लोर्स, उनके बीच हमारा एक पोटेंशियल फ्लो हो रहा है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा। जो जीरो हार्डनेस ऑफ वाटर है ये हमारी आयन एक्सचेंज या जियोलाइट प्रोसेस भी बोलते हैं, उसमें हम अचीव कर सकते हैं। मोहर स्केल ऑफ हार्डनेस जो है, मोहर स्केल इज बेसिकली हार्डनेस स्केल जिसमें हम 10 मिनरल्स के बेसिस पे हम रिलेटिव हार्डनेस मेजर करते हैं किसी भी मटेरियल की। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइट वेट एलिमेंट विल बी एडेड टू एनहेंस द प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरे शील्डिंग मोटर्स। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं, जो ये पेपर है इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो इंजीनियरिंग सर्विसेज प्री से पूछे गए हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ इंजीनियरिंग सर्विसेज हैं एंड एसएससी जेई के जो क्वेश्चंस हैं वहां से उठाए गए क्वेश्चंस हैं। और कुछ क्वेश्चंस 10-20% जो है वो न्यू क्वेश्चंस हैं जो कंसेप्चुअली फ्रेम किए गए हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग लाइट वेट एलिमेंट्स विल बी एडेड टू एनहांस द प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरे शील्डिंग मोटर। तो लिथियम जो है वो हमारा एक्सरे शील्डिंग मोटर बनाने में यूज करते हैं टू इम्प्रूव द प्रॉपर्टीज। एक सर्कुलर कर्व है, ठीक है, जो हमारे दो स्ट्रेट्स को कनेक्ट कर रहा है और जो डिफ्लेक्शन एंगल है वो 60 डिग्री है। तो हमसे पूछा जा रहा है इसकी जो टेंजेंट लेंथ है वो कितनी होगी। तो दिस टेंजेंट लेंथ इज गिवन बाई ये डेल्टा हो गया एंड दिस इज आर। तो हमारा सिंपली t इज इक्वल टू हो जाएगा r tan डेल्टा बाई 2। इसको आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 0.577 r, अगर आप डेल्टा की वैल्यू 60 डिग्री रख देते हो। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IS 10500 के अकॉर्डिंग हमारा अल्टरनेट सोर्स ऑफ वाटर अगर अवेलेबल नहीं है तो क्लोराइड के लिए हमारी जो परमिसिबल लिमिट है 1000 है, सल्फेट के लिए हमारी 400 मिलीग्राम पर लीटर है। और अगर अल्टरनेट सोर्स की हम बात नहीं करते, नॉर्मल सोर्स की बात करते हैं, तो वहां पर एक्सेप्टेबल लिमिट जो है वो 250 और 200 है रेस्पेक्टिवली। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्ले एंड सिल्ट कंटेंट जो है गुड ब्रिक अर्थ में माना जाता है कि इनका जो कंटेंट है मिनिमम 50% होना चाहिए एज पर इंडियन स्टैंडर्ड प्रोविजन ऑफ IS 2117। अगर आप IS 2117 रेफर करोगे तो यू लेबल टू अंडरस्टैंड कि जो क्ले और सिल्ट कंटेंट का कंपोजिशन है वो ब्रिक अर्थ में ब्रिक में एटलीस्ट 50% होना चाहिए। शॉर्ट सिलेंड्रिकल एक्सटर्नल माउथपीस में जो वेना कंट्रैक्टर है जिसके अक्रॉस हमारा जो एरिया ऑफ फ्लो होता है वो मिनिमम होता है, दैट अकर्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 1/4 द डायमीटर। तो यहां पे 1/4 डायमीटर ऑफ ऑरिफिस फ्रॉम द आउटलेट ऑफ ऑरिफिस। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक यूनिफॉर्म गर्डर है सिंपली सपोर्टेड एट इट्स एंड और इस पे एक UDL लग रही है हम, और उसके बाद कहा जा रहा है कि इट इज लोडेड ओवर इट्स एंटायर लेंथ, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हमने अज्यूम कर लिया, W यूनिट पर यूनिट लेंथ है एंड इट इज प्रॉप्ड एट द सेंटर टू न्यूट्रलाइज द डिफ्लेक्शन। तो नेट बेंडिंग मोमेंट हमें सेंटर पे निकालना है। तो हम देखेंगे कि जो डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन होगा लोड की वजह से और जो अपवर्ड डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, अपवर्ड डिफ्लेक्शन इनको इक्वेट कर देंगे तो वहां पे यही चीज किया हुआ है। तो डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन PWL 4/384 हो जाएगा UDL की वजह से और हमारा वर्टिकल लोड जो हमारा है P अज्यूम रिएक्शन हमने P अज्यूम कर लिया, PL
क्यूब अपॉन 48 EI, जो हमारा रिएक्शन आएगा इस एक तरीके से कॉन्टिन्यूस बीम हो जाएगी, तो ये रिएक्शन जो होगा 5WL/8 हो जाएगा और जो रिएक्शन एट सपोर्ट्स है 3WL/16 हो जाएगा। तो अब आप सिंपली इक्वेशन का यूज करके यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे तो यू विल गेट WL/32 इज द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, नेट बेंडिंग मोमेंट विच इज अकरिंग एट द सेंटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टील रॉड दिया हुआ है, इसका डायमीटर दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है एंड इट इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल पुल, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी दिया हुआ है और एलोंगेशन पूछ रहा है। तो एलोंगेशन हमारा सिंपल PL अपॉन ए ही आ जाएगा। हम यहाँ पे जो वैल्यूज दी हुई हैं सब्सटीट्यूट करेंगे क्वेश्चन में, यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन दिया हुआ है, हमारा सिलेंड्रिकल रॉड है तो हमारा क्रॉस सेक्शन जो है वो सर्कुलर एरिया हमने निकाल लिया एंड यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया वैल्यू, तो हमारा 22.275 mm आ जा रहा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो फेनोमेना है जनरेशन ऑफ लिफ्ट बाय रोटेटिंग एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन अ फ्री स्ट्रीम इज नोन एज मैग्नस इफेक्ट। जो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी है फ्रांसिस टर्बाइन की, उसके लिए भी मैंने आपको यहाँ पर रिलेशन दी हुई है कि हाइड्रोलिक एफिशिएंसी जो है दैट पावर रनर को कितनी पावर डिलीवर हो रही है डिवाइडेड बाय द पावर सप्लाइड एट द इनलेट। तो जब इसको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करते हैं तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ व्हर्ल एट द इनलेट। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये भी हमारा इंजीनियरिंग सर्विसेज प्री का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बॉडीज वेयर बोथ ड्रैग एंड लिफ्ट फोर्सेस आर प्रोड्यूस्ड। तो हाइड्रोफाइल्स जो है इसमें हमारी ड्रैग एंड लिफ्ट फोर्सेस दोनों प्रोड्यूस होती हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से जो स्टैंडर्ड गेजेस हैं उनका जो कलेक्टर का अपर्चर साइज है वो 100 से 200 square centimeter एरिया का होता है। तो मिंडरिंग का जो कॉज है That is extra turbulence generated by excess of river sediment during floods की वजह से हमारा मिंडरिंग होती है। ठीक है, तो अभी एक पिछले वीडियोज में मैंने डिस्कस किया था कि मिंडरिंग के इफेक्ट की वजह से हमारी जो स्लोप है वो रिड्यूस हो जाती है, बिकॉज मिंडरिंग की वजह से जो कर्वेचर लेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है, तो स्ट्रेच लेंथ बढ़ जाती है, तो स्लोप जब आप कैलकुलेट करते हो तो इट गेट्स रिड्यूसेस। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्लीपर डेंसिटी हमारी M+7 है, M हमारी रेल की लेंथ हो गई, तो यानी 20 स्लीपर डेंसिटी है 30 मीटर रेल के लिए, तो जो स्लीपर की स्पेसिंग होगी वो 30/20 निकाल लोगे। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 20^120.65 meter इज द स्पेसिंग बिटवीन द स्लीपर, 65 centimeter सेंटर टू सेंटर स्लीपर की स्पेसिंग है। मिनिमम डेप्थ ऑफ बेलास्ट कुशन निकालना है और ये बेसिकली डायमेंशन यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाइड है, ये विड्थ हो गई स्लीपर की और ये हाइट है 13 centimeter, तो हम ये विड्थ ले लेंगे 25 centimeter बी, तो हमारी जो डेप्थ निकल के आएगी S-W/2 होता है, तो 65 स्पेसिंग हो गई, विड्थ ऑफ स्लीपर हमारा 25 centimeter हो गया, इसको 2 से आप डिवाइड कर दोगे, दिस इज द मिनिमम डेप्थ ऑफ द बेलास्ट कुशन S-W/2। लोड डिस्पर्सन से आपने ये चीज स्टडी की होगी, तो ये 40/20 ये हमारा हो जाएगा 20 centimeter, 40/2 विल बी 20 centimeter। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है फॉल्स ऑन अ बाउंड्री बिटवीन टू लॉसेस लेंसेज होमोजेनियस मीडियम विद डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अ पार्ट ऑफ वेव इज रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड की बात कर रही है, इस फिनोमेना को हम फ्रेशनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। रिब्ड स्लैब्स में जो ब्रेथ है हमारी वो हमारी 8 centimeter से 10 centimeter होती है, जिसमें दो बार हो सकते हैं। M3 प्रोफाइल में हमारा जो क्रिटिकल डेप्थ है नॉर्मल डेप्थ से कम होता है और जो हमारा डेप्थ ऑफ फ्लो है दोनों उससे बड़े होते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्लीट्स का फंक्शन केवल होता है कि जो पर्लिन्स लगा रहे हैं आप वो टिल्ट ना हो, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसमें। एवरेज एनुअल रेनफॉल एट एनी स्टेशन इज द एवरेज ऑफ एनुअल रेनफॉल ओवर अ पीरियड ऑफ 35 years के लिए निकालते हैं, आप कोई भी रेफरेंस स्टैंडर्ड बुक्स देख सकते हो। दो वेज शेप्ड ब्रिक्स, जो वेज शेप्ड ब्रिक्स हैं जो आर्च रिंग बनाते हैं उनको वॉयसर्स बोलते हैं, इसको मैंने डायग्रामेटिकली भी दिखाया हुआ है। यहाँ पे ये जो वेज शेप्ड आपको ब्रिक दिख रहे हैं यहाँ पे, दीज आर कॉल्ड वॉयसर। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट सेकेंड और थर्ड स्टोरी है G+3 बिल्डिंग, यानी ग्राउंड फ्लोर है, फिर फर्स्ट फ्लोर है, फिर सेकेंड फ्लोर है, फिर थर्ड फ्लोर है,
ये एक बिल्डिंग है, ठीक है। इसमें इनकी लेटरल स्टिफनेस दी हुई है फर्स्ट फ्लोर की K1, सेकेंड फ्लोर की K2 और थर्ड फ्लोर की K3। और बोला गया है कि हमसे कि जो सेकेंड स्टोरी यानी ये वाली जो स्टोरी है ये सॉफ्ट स्टोरी में कब कंसीडर किया जाएगा। तो हमारा IS 1893 का कोड ये कहता है कि सॉफ्ट स्टोरी बेसिकली वो स्टोरी होगी जिसकी लेटरल स्टिफनेस जो है वो उसके ऊपर वाले फ्लोर से 70% टाइम्स कम होगी। यानी 0.7 ऑफ उसका ऊपर वाला फ्लोर क्या है, थर्ड फ्लोर, तो थर्ड फ्लोर की लेटरल स्टिफनेस क्या है, K3। तो इसके 70 जो उसका ऊपर फ्लोर हुआ उसकी जो लेटरल स्टिफनिंग है उसकी 70% से उसकी वैल्यू अगर कम है तो होगी, या फिर जो इसकी लेटरल स्टिफनेस है जिस स्टोरी को हम सॉफ्ट स्टोरी बोल रहे हैं वो लेस देन एवरेज ऑफ जितनी भी स्टोरी है उनका जो एवरेज है उससे उसके 80% से कम होगा। तो उस केस में हमारा कोई भी कंडीशन मीट होगा तो हमारा वो हमारा सॉफ्ट स्टोरी कहलाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा यहाँ पे। विच IS कोड इज यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ टिम्बर के लिए हम IS 1149 1958 का वर्जन यूज करते हैं। यहाँ पर सिंपल यंग मॉडुलस निकालने के लिए कहा गया है और लोड और गेज लेंथ और हमारा एलोंगेशन दिया हुआ है। तो वी विल फॉलो दिस इक्वेशन, स्ट्रेस निकाल लेंगे, स्ट्रेन निकाल लेंगे और जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन हो जाएगा। तो यू विल गेट द करेक्ट आंसर है 200 kN/mm². किस फ्लोरिंग में हमें ग्राइंडिंग की जरूरत पड़ती है, कार्बोरेंडम स्टोन्स की जरूरत पड़ती है, तो टेरेसो फ्लोरिंग और मोजैक फ्लोरिंग, इनमें हम लोग ग्राइंडिंग करते हैं टू स्मूदन आउट द सरफेस यूजिंग कार्बोरेंडम स्टोन्स। करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ गिवन वॉल्यूम चेंज इन अ सॉइल एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ ड्राई वॉल्यूम टू द करस्पॉन्डिंग चेंज इन वाटर कंटेंट इज नोन एज श्रिंकेज रेशियो ऑफ द सॉइल। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्मिक वेट जो है बिल्डिंग का वो हमारा दिया हुआ 8000 kN। सिस्मिक जोन 5 में हम बिल्डिंग को डिजाइन कर रहे हैं डक्टिलिटी कंसिडरेशन के लिए, तो वी विल बी यूजिंग IS 13920 का कोड यूज करेंगे। जो स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन फैक्टर है वो 2.5 है, बेस शियर निकालना है। यहाँ पे मैंने आपको IS 1893 के अकॉर्डिंग जो हॉरिजॉन्टल सिस्मिक कोफिशियंट है, बिकॉज बेस शियर जो है वो हमारा क्या होता है, हॉरिजॉन्टल सिस्मिक कोफिशियंट मल्टीप्लाइड बाई जो सिस्मिक वेट है। तो AH की वैल्यू निकालने के लिए आपको ये इक्वेशन दी हुई है जिसमें Z जो है वो जोन फैक्टर है, जोन 5 में हमारा 0.36 होता है फैक्टर। I हमारा इंपॉर्टेंस फैक्टर है, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग हम अज्यूम कर रहे हैं, कौन सी बिल्डिंग है यहाँ पे, एक हमारी हॉस्पिटल बिल्डिंग है, इट विल बी डिजाइंड एज इंपॉर्टेंट बिल्डिंग जिसके लिए इंपॉर्टेंस फैक्टर 1.5 है, एक्सेलरेशन फैक्टर 2.5 दिया हुआ है, रेस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर डक्टिलिटी कंसिडरेशन आपको ध्यान में रखना है, तो मोमेंट रेजिस्टिंग फ्लोर के लिए आर की वैल्यू 5 लेंगे। तो जो AH आप कैलकुलेट करोगे तो ये 0.135 आएगा, 0.135 आएगा। जो सिस्मिक वेट दिया है वो 8000 kN दिया हुआ है, तो उसको मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 1080 kN एज द बेस ईयर फॉर दिस बिल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्ट्रेटा है हमारा 3.5 मीटर थिकनेस का, वाइड रेशियो दिया हुआ है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है, क्विक सैंड कंडीशन के लिए हमारा क्रिटिकल जो ग्रेडियंट है वो GS-1/1+E होगा, ये निकालोगे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे विल गेट 1, एंड क्विक सैंड कंडीशन के लिए इट विल बी इक्वल टू टोटल हेड लॉस डिवाइडेड बाय लेंथ। तो हमारा 1 से आप लेंथ को मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल हेड लॉस जो आएगा वही हमें हेड जो निकल के आया वो 3.5 निकल के आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो सक्सेसिव एनुअल रेनफॉल्स हुई 10 साल तक के लिए उनका डाटा दिया हुआ है, मीन और मीडियन निकालना है। तो मीन और मीडियन निकालने के लिए बेसिक कंसेप्ट है, मीन क्या क्या है, सभी को ऐड कर दो टोटल पीरियड से डिवाइड कर दो यानी 10 साल से, तो हमारा 34.39 आ गया। मीडियन निकालने के लिए जो आपका एनुअल रेनफॉल डाटा है उसको आप इंक्रीजिंग यानी असेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीज कर लो, और 10 डाटा पॉइंट्स है तो इवन नंबर, सो मीडियन इज द एवरेज ऑफ मिडिल टू नंबर्स। तो 33.6 और 34 यानी फिफ्थ और सिक्स्थ जो वैल्यू है उन दोनों का आपका एवरेज जो होगा वो हमारा मीडियन होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉइल मास की जो परमिबिलिटी है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में दी हुई है और बेस लेंथ दिया हुआ है और बोला गया है 1:25 स्केल फैक्टर इन वर्टिकल डायरेक्शन। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये होना चाहिए, वर्टिकल डायरेक्शन का कोई सिग्निफिकेंस यहाँ पे नहीं है।
तो अब दोनों डायरेक्शन में परमिबिलिटी दी हुई है, तो उसके लिए ट्रांसफॉर्म्ड स्केल का कंसेप्ट यूज करेंगे, तो हमारा ट्रांसफॉर्म जो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन आएगी, बिकॉज बेस लेंथ जो डैम की बेस लेंथ है वो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है, तो स्केल जो है 1:25 एक हॉरिजॉन्टल स्केल हमें यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे के वाई अपॉन के एक्स का अंडर रूट इंटू बी बेस लेंथ, तो 65.843 आ जाएगा, और बिकॉज स्केल फैक्टर 1:25 है, इसको आप रिड्यूस करोगे तो हमारा 2.63 मीटर आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एक चैनल डिजाइन किया जा रहा है हमारा लैसीज थ्योरी के हेल्प से, जहाँ पे जो वेलोसिटी है वो 0.88 मीटर पर सेकेंड है, सिल्ट फैक्टर हमारा 1.1 है, तो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ जो है वो 5/2 मल्टीप्लाइड बाई वी स्क्वायर बाई एफ यूज करेंगे, तो वी वेलोसिटी हो गई, एफ हमारा फ्रिक्शन फैक्टर 1.1 हो गया, तो करेक्ट आंसर जो हो गया वो हमारा ऑप्शन बी आ जाएगा। यहाँ पे एक सैंपल है, बल्क डेंसिटी दी हुई है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन दिया हुआ है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट निकालना है, तो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट मैंने आपको पहले भी बताया था, इट इज गिवन एज जीएस माइनस 1/1+ई, लेकिन अब हमें ई यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग बल्क यूनिट वेट से जो डिग्री ऑफ सेचुरेशन 70% दिया हुआ है उसका यूज करके वॉइड रेशियो निकाल लेंगे, एंड देन वी विल सॉल्व फॉर क्रिटिकल ग्रेडियंट, तो हमारा 1.1 वैल्यू आ जाएगी, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ग्रुप सिंबल्स असाइन टू सिल्टी सैंड एंड क्ले सैंड आर SM एंड SC, परसेंटेज फाइनल इन सॉइल आर मोर देन 10%, तो हमें सेडिमेंटेशन एनालिसिस परफॉर्म करनी पड़ेगी आपको। रैपिड सेटिंग टाइम में जो अर्ली एज स्ट्रेंथ है वो हमारी C3S के कंटेंट से आती है, पोजोलोनास जो है वो सिलिका और एलुमिना में रिच होते हैं, अल्कली का कंटेंट होता है वो काफी कम होता है, तो सिलिका एंड एलुमिना विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, अल्कली का वेटेज बहुत कम होता है, मोस्टली हमारे पीछे पोजोलोनास आर रिच इन सिलिका एंड एलुमिना। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ OPC, अब यहाँ पे ग्रेड नहीं दिया है, तो OPC का मिनिमम ग्रेड जो है वो 33 होता है, तो 3 डेज में जो स्ट्रेंथ है वो इसका 50% होती है, तो अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखोगे 50% आप देखोगे तो इट इज अराउंड 160 न्यूटन पर mm². अगर OPC 33 देखेंगे, जो भी ये 33 इसका हाफ 50% ऑफ स्ट्रेंथ हमारा 3 डेज में अचीव होती है, तो अब नियरेस्ट जो आंसर है बनेगा वो आपका 150 बनेगा। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ OPC इज अराउंड 3.15, करेक्ट आंसर हमारा। व्हाइट सीमेंट में हमारा जो सबसे कम परसेंटेज होता है वो आयरन ऑक्साइड का होता है, बिकॉज ग्रे सीमेंट्स में हमारा आयरन ऑक्साइड ही ग्रे कलर को कंट्रीब्यूट करता है। कंस्ट्रक्शन यूज्ड एट विलेज साइट द लोकल पॉन्ड वाटर मस्ट बी सीव्ड, ठीक है, बिकॉज ये सबसे इकोनॉमिक प्रोसेस पड़ेगा। क्लोरिनेटेड वाटर हम कंस्ट्रक्शन के लिए यूज नहीं करते, तो ये ऑप्शन रूल आउट हो जाता है, तो मोस्ट इकोनॉमिक मेथड इज सीविंग फॉर यूजिंग दी, इसमें हमारे जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, ऑर्गेनिक मैटर है और फ्लोटिंग मटेरियल है, वो सारा रिमूव हो जाएगा। जो पोटेशियम थायोसाइनाइट है ये हमारा यूज करते हैं आयरन के डिटर्मिनेशन में, एयर वेसल का जो प्राइमरी पर्पस है वो इंटरप्शन इन फ्लो को अवॉइड करने के लिए, ऑप्शन सी हो जाएगा। अप्रोप्रिएट परसेंटेज ऑफ वाटर इन सीवेज इज 99.9% और 0.1% जो होता है वो सॉलिड कंपोनेंट होता है। जो मेन गैस लिबरेटेड फ्रॉम एन एनोरोबिक स्लज डाइजेस्टर में हमारी मेन गैस है जो 50-60% गैस है वो कार्बन मीथेन होती है, उसके बाद हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अगर इसका हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें, मीथेन हमारी जो है 50-70% है, कार्बन डाइऑक्साइड 20-50% है, एनोरोबिक में हाइड्रोजन सल्फाइड भी निकलती है, नाइट्रोजन भी निकलती है, ट्रेसेस रहते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड के, तो हमारा करेक्ट आंसर मीथेन होगा। Which of the following is responsible for corrosion of concrete sewer? Sewer के लिए septic conditions के लिए हमारी responsible होती हैं corrosion के लिए। Pitot tube is basically used to measure the velocity at stagnation point पे, तो हमारी velocity हमेशा zero ही होती है। तो it measures the velocity at a particular given point। तो ये rule out हो जाता है। तो pitot tube is basically used for measuring the stagnation pressure। Foreign writer का अगर आप reference देखोगे तो यहाँ पर clearly लिखा हुआ है। This tube type of tube is called a pitot tube and provides a mean of measuring the stagnation pressure. तो इसमें आपको confusion नहीं होना चाहिए। Pitot tube हमारा stagnation pressure measure करता है, जिसकी help से हम pressure rise निकाल लेते हैं, and we use it for measuring the velocity at a given point. जो हमारा बर्नौलीज इक्वेशन में एक हर एक टर्म है जो एनर्जी पर यूनिट वेट को इंडिकेट करता है, यूलर्स इक्वेशन जो है हमारी
इस assumption पे बेस्ड है कि जो हमारा फ्लो है वो होमोजीनियस और इनकम्प्रेसिबल है। मोमेंटम करेक्शन फैक्टर जो है, मोमेंटम करेक्शन फैक्टर जो है वो लैमिनार फ्लो के लिए 1.33 होता है, टर्बुलेंट के लिए अगर पूछा जाता तो 1.2 होता है सर्कुलर ट्यूब में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। सुट्रोवियर व्यू वियर्स होते हैं जो लीनियर वियर्स हो सकते हैं बेसिकली, जहाँ पे हमारा जो डिस्चार्ज है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच ए की पावर एन एंड एन इज इक्वल टू 1 फॉर सुट्रोवियर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। मूडीज इक्वेशन का यूज हम फ्रिक्शन फैक्टर के निकालने में करते हैं। द फ्लो एफ जो है डर्सी विजबेक इक्वेशन में हमारा डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, जो डक्टिलिटी है वैल्यू ऑफ बिटुमिन की ये टार से ज्यादा होती है एंड इट वेरीज फ्रॉम 5 to 100 सेंटीमीटर। ठीक है, जो टार है वो जब डक्टिलिटी टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो ये स्ट्रेच आउट होकर ब्रेक कर जाता है एक पॉइंट पे, लेकिन डक्टिलिटी जो है वो फुल वैल्यूज तक हमारी आती है टेस्ट में। तो डक्टिलिटी ऑफ बिटुमिन इज ऑलवेज मोर देन डक्टिलिटी ऑफ टार। जो अप्रोक्सीमेट बिटुमिन कंटेंट है रिफाइंड एस्पॉल्ट में वो 52% है। रेफरेंस के लिए मैंने आपको यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है कि रिफाइंड एस्पॉल्ट में हमारा जो बिटुमिन कंटेंट है वो 50 से 55% होता है, मैस्टिक में 7 to 10 होता है, स्टोन एस्पॉल्ट में 20 से 40% बिटुमिन होता है। जो करेक्शन फॉर स्लोप है वो हमारा करेक्शन फॉर स्लोप होता है h²/2l, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h²। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। इवोपोरेशन कैलकुलेट करना है, पैन इवोपोरेशन दिया है तो इसको आप सिंपली पैन कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ऑप्शन सी आ जाएगा। क्ले हमारा एक्वीफ्लूइड का एग्जांपल है जिससे हम ना पानी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। द मिनिमम नंबर ऑफ बार्स रिक्वायर्ड इन रेक्टेंगुलर कॉलम्स फॉर एन अर्थक्वेक रेजिस्टेंस डिजाइन। तो हमारा जो IS 13920 कोड है वो ये कहता है कि किसी भी कॉलम में डक्टिलिटी प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए हर फेस पे आपके 3 कॉलम्स होने चाहिए। ठीक है, तो ये फेस में अगर 3 कॉलम लोगे, इस फेस में कॉलम 3 कॉलम करने के लिए आपको बीच में देना पड़ेगा, टोटल काउंट करोगे तो यू विल गेट 8 एज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्चार्ज कैपेसिटी दी हुई है 2600 हेक्टेयर सुगर केन का एरिया इरिगेट करना है जिसमें कोर डेप्थ 17 सेंटीमीटर है, कोर पीरियड 30 डेज है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पर आपको सोल्यूशन दिया हुआ है, जो रिलेशन है उसका आप यूज करोगे तो विल गेट द करेक्ट आंसर एज 1.71 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वापस से फील्ड कैपेसिटी दी हुई है, परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट दिया हुआ है, स्पेसिफिक ड्राई यूनिट विड्थ दिया हुआ है, रूट जोन की डेप्थ दी हुई है और हमसे बोला जा रहा है स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होगी। तो स्टोरेज कैपेसिटी हमारी इस इक्वेशन का आप यूज करोगे और सारी वैल्यूज, यहाँ पे रूट जोन डेप्थ हो गई, यहाँ पे डेंसिटी हो गई, फील्ड जो हमारा फील्ड कैपेसिटी है और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट है। तो इसको सॉल्व करोगे तो वाटर स्टोरेज कैपेसिटी सवाल आएगा, 12 सेंटीमीटर पानी वो स्टोर कर सकता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी तरह कंक्रीट मिक्स प्रोपोर्शन में जो एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ सैंड है विच इज जस्ट टू हैव अंडरगॉन 50% बल्किंग पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सीमेंट विल बी, इट विल बी 1.15% आप बढ़ा दोगे। तो यहाँ पर देखो, आपको मैंने यहाँ पर सॉल्व करके दिखाया हुआ है कि अगर हम सीमेंट की क्वांटिटी 1 क्यूबिक मीटर मान लें तो सैंड की 3 क्यूबिक मीटर हो जाएगी, बट 15% बल्किंग है तो इट विल गिव फॉर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। तो 1 3 3 हो गया, 3 क्यूबिक मीटर हो गया, तो 3 क्यूबिक मीटर में 15% बल्किंग करोगे तो हमारा 3.45 आ जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अवेलेबल मॉइस्चर है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन द फील्ड कैपेसिटी एंड द परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। इकोनॉमिकल स्पेसिंग जो है वो L/4 से L/5 होती है, रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पर दिया हुआ है जहाँ पर क्लियरली लिखा है कि L/4 to L/5 दिस स्पेसिंग इज मोस्ट एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव, गिव्स स्टेबल रूट स्ट्रक्चर एंड रिड्यूसेस द नंबर ऑफ ट्रसेस रिक्वायर्ड। ठीक है, बाकी स्पेसिंग के बारे में आप पढ़ लोगे, ये L/4 to L/6 कॉस्ट इफेक्टिव तो होती है बट स्टेबिलिटी हो सकता है हैवी स्नोफॉल एरियाज में ना प्रोवाइड करे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। सैक टाई जो का पर्पस है वो हमारा मोमेंट और डिफ्लेक्शन को रिड्यूस करने का है। इन इलास्टिक कोलिजन में केवल हमारा लीनियर मोमेंटम ही कंजर्व रहता है, काइनेटिक एनर्जी हमारी इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्राइंग फोर्सेज हमारी टेंसाइल फोर्सेज होती हैं फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कनेक्टेड पार्ट्स की वजह से। फाइन ग्रेन सॉइल दी हुई है, प्लास्टिक लिमिट और लिक्विड लिमिट दी हुई है। प्लास्टिसिटी चार्ट के हिसाब से जो सॉइल है वो हमारी CH से डिनोट होगी, इसको मैंने सॉल्व करके दिखाया हुआ है। जो वैल्यूज दी हैं उसके हिसाब से आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स आपने निकाल लिया, इट कम्स एज 29.2 जो ए लाइन का है,
और गिवन जो है वो 40% है, तो ये हमारा ए लाइन के ऊपर आ रहा है, एंड जो लिक्विड लिमिट है वो 60% है, तो वो हमारा हाई कंप्रेसिबिलिटी है, तो एच हो गया, तो यहाँ पर कहीं आने की वजह से बिकॉज ए लाइन के ऊपर आ रहा, तो इट विल रिप्रेजेंटिंग क्ले ऑफ हाई कंप्रेसिबिलिटी, जो प्रेजेंस ऑफ हार्डनेस एक्सेस ऑफ परमिसिबल लिमिट कॉजेज लॉन्ड्री एक्सपेंसेस। ठीक है, एक व्हीकल मूव कर रहा है, लेंथ ऑफ स्किड मार्क्स दिया हुआ है, एवरेज स्किड रेजिस्टेंस दिया हुआ है, और एफिशिएंसी निकालना है एफिशिएंसी टेस्ट में, तो विल यूज इक्वेशन v स्क्वायर अपॉन 2gf इनटू ब्रेक एफिशिएंसी, इसको सॉल्व करोगे तो विल गेट 74% एज द ब्रेक एफिशिएंसी। प्रॉपर्टीज ऑफ क्ले, जिसकी वजह से रीमोल्डिंग होती है, एंड एट एन अल्टर्ड मॉइस्चर कंटेंट जिसे हम थ्रिक्सोट्रॉपी बोलते हैं, एक्स्ट्रा वाइडनिंग जो रिक्वायर्ड है उसके लिए हमारे डिजाइन स्पीड दी हुई है 100 kmph, व्हील बेस 8 मीटर दिया है, टू लेन दिया है, तो एन एल स्क्वायर बाई 2R वाला में आपका n की वैल्यू 2 आ जाएगी, और v अपॉन 9.5 स्क्वायर रूट r, ये तो हमारा हो गया ऑफ ट्रैकिंग, और ये हमारा हो गया तो साइकोलॉजिकल वाइडनिंग, इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 0.82, यानी एक्स्ट्रा वाइडनिंग जो है ये पॉइंट में होनी चाहिए, तो बेसिकली ये यहाँ पर टाइपोग्राफिकल एरर है इस क्वेश्चन में, ऐसे नियरेस्ट आंसर अगर पॉइंट में होता तो 0.82 मीटर इज द करेक्ट आंसर। जो हिल स्लोप्स का साइड स्लोप है वो हमारा सभी फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ऑल ऑफ दिस। उसके बाद हमारा प्लान सर्वे दिया हुआ है, ठीक है, एक स्केल दी हुई है, बट ओरिजिनली वो 10 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर को मेजर करा, तो एरिया ऑफ रिड्यूस प्लान 81 स्क्वायर सेंटीमीटर है। एक्चुअल एरिया का लिए मैंने यहाँ पे आपको कैलकुलेशन दिखाई हुई है, श्रिंकेज फैक्टर आपने निकाल लिया, ओरिजिनल स्केल 1/1000 हो गई, एरिया ऑफ रिड्यूस्ड प्लान 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ओरिजिनल प्लान हमारा 81 डिवाइडेड बाय 0.9 हो जाएगा, बिकॉज एक्चुअल में 10 9 सेंटीमीटर मेजर कर रहा था, ओरिजिनल स्केल वाज मेड ऑन स्केल इतना, तो ओरिजिनल एरिया ऑफ सर्वे हमारा 10,000 स्क्वायर मीटर होगा, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। एक टर्बाइन है, इतना पावर डेवलप कर रही है, हेड 30 मीटर है, 100 RPM से रन कर रही है, तो दिस टर्बाइन बिलोंग्स टू फ्रांसिस टर्बाइन। इसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, स्पेसिफिक स्पीड निकालनी पड़ेगी, स्पेसिफिक स्पीड ns इक्वल टू n रूट p अपॉन h की पावर 5/4 करोगे तो 100.71 आ जाएगा, तो इट इज अ फ्रांसिस टर्बाइन। एक समित कर्व है, इट इज फॉर्मड एट द इंटरसेक्शन ऑफ 3% अपग्रेड एंड 5% डाउनग्रेड, तो ये 3% है और ये 5% है। लेंथ ऑफ समित कर्व जो है टू प्रोवाइड अ स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ 128 मीटर, इसको आप सॉल्व करोगे तो g1 प्लस g2 अपॉन, इसको यहाँ पर मैं सॉल्व करके देख लेता हूँ कितना आ रहा है, ns स्क्वायर बाई 4.4 से आप सॉल्व करो तो 298 मीटर आ जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यहाँ पे स्टॉपिंग डिस्टेंस के कॉन्टेक्स्ट में है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सबमर्स्ड वेल इज ससेप्टेबल टू लिक्विफेक्शन, टू लूज सील्ड्स आर ससेप्टेबल टू लिक्विफेक्शन, सेप्टिक टैंक इज अ एनारोबिक मेथड ऑफ ऑन साइट सीवेज ट्रीटमेंट, सॉरी दिस इज एनारोबिक मेथड, दिस इज एन एनारोबिक मेथड तो जो सेप्टिक टैंक है इसमें एनारोबिक मेथड ऑफ ऑन साइट ट्रीटमेंट होगा, इट इज एनारोबिक कंडीशन। जो वेलनेस का फंक्शन है उसमें ड्रेनेज को फैसिलिटेट करना, इलास्टिक सपोर्ट की तरह बिहेव करना और रेजिलियंस ऑफर करना, ये सभी ऑप्शंस करेक्ट हैं। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, अपना फीडबैक जरूर शेयर करें, और जिस भी क्वेश्चन में आपको फर्दर डाउट लगता है कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।